उनमें से एक गिरोह को यहां तक कमजोर कर दिया था कि उनके बेटों को जिबाह कर डालता और उनकी लड़कियों को जिंदा रहने देता बेशक वो मुफ्सदों में था हम चाहते थे कि जो लोग मुल्क में कमजोर कर दिए गए हैं उन पर एहसान करें और उनको पेशवा बनाए और उन्हें मुल्क का वारिस करें और मुल्क में उनको कुदरत दें और फिरा और हामान और उनके लश्कर को वो चीज दिखा दें जिससे वो डरते थे हमने मूसा की मां की तरफ वही भेजी कि उसको दूध पिलाओ जब तुमको उसके बारे में कुछ खौफ पैदा हो तो उसे दरिया में डाल देना और न तो खौफ करना और न रंज करना हम उसको तुम्हारे पास वापस पहुंचा देंगे और फिर उसे पैगंबर बना देंगे तो उनके लोगों ने उसको उठा लिया इसलिए कि नतीजा यह होना था कि वो उनका दुश्मन और उनके लिए मुझे बेगम हो बेशक फिराउन और हामान और उनके लश्कर चूक गए और फिराउन की बीवी ने कहा कि ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है इसको कत्ल न करना शायद ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे बेटा बना लें और वो अंजाम से बेखबर थे आशा की मां का दिल बेकरार हो गया अगर हम उनके दिल को मजबूत न कर देते तो करीब था कि वो उस क़िस्से को जाहिर कर दें गरज ये थी कि वो मोमिनों में रहें उसकी बहन से कहा कि उसके पीछे पीछे चली जा तो वो उसे दूर से देखती रही और उन लोगों को कुछ खबर न थी और ने पहले ही से उस पर दाइयों के दूध हराम कर दिए थे तो मूसा की बहन ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे घर वाले बताऊं तुम्हारे लिए इस बच्चे को पालें और इसकी खैर खाही से परवरिश करें तुमने तो इस तरीक से उनको उनकी मां के पास वापस पहुंचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो गम न खाएं और मालूम करें कि खुदा का वादा सच्चा है लेकिन ये अक्सर नहीं जानते जब मूसा जवानी को पहुंचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया और हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं और वो ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुए कि वहां के बाशिंदे बेखबर हो रहे थे तो देखा कि वहां दो शख्स लड़ रहे थे एक तो मूसा की कौम का है और दूसरा उनके दुश्मनों में से तो जो शख्स उनकी कौम में से था उसने दूसरे शख्स के मुकाबले में जो मूसा के दुश्मनों में से था मदद तलब की तो उन्होंने उसको मुक्का मारा और उसका काम तमाम कर दिया कहने लगे कि यह काम तो इगवाए शैतान से हुआ बेशक वो इंसान का दुश्मन और शरीह बहकाने वाला है बोले के ऐ परवरदिगार मैंने अपने आप पर जुल्म किया तू मुझे बख्श दे तो खुदा ने उनको बख्श दिया बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है लगे कि अवरदिगार तू ने जो मुझ पर मेहरबानी फरमाई है मैं आइंदा कभी गुनाहगारों का मददगार न ना बनूरज सुबह के वक्त शहर में डरते डरते दाखिल हुए कि देखें क्या होता है तो ना कहा वही शख्स जिसने कल उनसे मदद मांगी थी फिर उनको पुकार रहा है मूसा ने उससे कहा कि तू तो सरीह गुमराही में है मूसा ने इरादा किया कि उस शख्स को जो उन दोनों का दुश्मन था पकड़ लें तो वो यानी मूसा की कौम का आदमी बोल उठा कि जिस तरह तुमने कल एक शख्स को मार डाला था उसी तरह चाहते हो कि मुझे भी मार डालो तुम तो यही चाहते हो कि मुल्क में जुल्म सितम करते फिरो और ये नहीं चाहते कि नेकुकारों में हो और एक शख्स शहर की परली तरफ से दौड़ता हुआ आया और बोला कि मूसा शहर के रईस तुम्हारे बारे में सलाहें करते हैं कि तुमको मार डालें सो तुम यहां से निकल जाओ मैं तुम्हारा खैर खा हूं वहां से डरते डरते निकल खड़े हुए कि देखें क्या होता है और दुआ करने लगे कि परवरदिगार मुझे जालिम लोगों से नजात दे जब मदियन की तरफ रुख किया तो कहने लगे उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता बताए जब मदियन के पानी के मकाम पर पहुंचे तो देखा कि वहां लोग जमा हो रहे और अपने चार पायों को पानी पिला रहे हैं और उनके एक तरफ दो औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं मूसा ने उनसे कहा तुम्हारा क्या काम है वो बोली कि जब तक चरवाहे अपनी चार पायों को ले न जाए हम पानी नहीं पिला सकते और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं तो मूसा ने उनके लिए बकरियों को पानी पिला दिया फिर साये की तरफ चले गए और कहने लगे कि परवरदिगार मैं इसका मोहताज हूं कि तू मुझ पर अपनी नेमत नाजिल फरमाए थोड़ी देर के बाद उनमें से एक औरत जो शर्माती और लजाती चली आती थी मूसा के पास आई और कहने लगी कि तुमको मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे लिए पानी पिलाया था उसकी तुमको उजरत दें जब वो उनके पास आए और उनसे अपना माजरा बयान किया तो उन्होंने कहा कि कुछ खौफ न करो तुम जालिम लोगों से बचाए हो एक लड़की बोली कि अब्बा इनको नौकर रख लीजिए क्योंकि बेहतर नौकर जो आप रखें वो है जो तवाना और अमानतदार हो उन्होंने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूं अपनी इन दो बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दू इस पर कि तुम आठ बरस मेरी खिदमत करो और अगर दस साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान है और मैं तुम पर तकलीफ डालनी नहीं चाहता तुम मुझे इन नेक लोगों में पाओगे मूसा ने कहा कि मुझ में और आप में ये अहद पुख्ता हुआ मैं जौन सी मुद्दत चाहूं पूरी कर दूं फिर मुझ पर कोई ज्यादती ना हो और हम जो मुहिदा करते हैं खुदा उसका गवाह है जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने घर के लोगों को लेकर चले तो तूर की तरफ से आग दिखाई दी तो अपने घर वालों से कहने लगे कि तुम यहां ठहरो मुझे आग नजर आई है शायद मैं वहां से रस्ते का कुछ पता लाऊं या आग का अंगारा ले आऊं ताकि तुम तापो दुचे तो मैदान के दाए किनारे से एक मुबारक जगह में एक दरख्त में से आवाज आई कि मूसा मैं तो खुदाए रबुल आलमीन हूं यह कि अपनी लाठी डाल दो जब देखा कि वह हरकत कर रही है गोया सांप है तो पीठ फेर कर चल दिए और पीछे मुड़कर भी न देखा हमने कहा कि मूसा आगे आओ और डरो मत तुम अम पाने वालों में हो हाथ गरीबान में डालो तो बगैर किसी ऐप के सफेद निकल आएगा और खौफ दूर होने की वजह से अपने बाजू को अपनी तरफ सुकेड़ लो ये दो दलीलें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं उनके साथ फिराओन और उसके दरबारियों के पास जाओ कि वो नाफरमान लोग हैं ने कहा उनमें का एक शख्स मेरे हाथ से कत्ल हो चुका है सो मुझे खौफ है कि वो कहीं मुझको मार न डाले और हारून जो मेरा भाई है उसकी जबान मुझसे ज़्यादा है, तो उसको मेरे साथ मददगार बनाकर भेज के मेरी तस्दीक करे मुझे खौफ है कि वो लोग मेरी तकजीब करेंगे खुदा ने फरमाया हम तुम्हारे भाई से तुम्हारे बाजू को मजबूत करेंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे तो हमारी निशानियों के सबब वो तुम तक पहुंच न सकेंगे और तुम और जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की गालिब रहोगे और जब मूसा उनके पास हमारी खुली निशानियां लेकर आए तो वो कहने लगे कि ये तो जादू है जो उसने बना खड़ा किया है और ये बातें हमने अपने अगले बाप दादा में तो कभी सुनी नहीं और मूसा ने कहा कि मेरा परवरदिगार उस शख्स को खूब जानता है जो उसकी तरफ से हक लेकर आया है और जिसके लिए आकिबत का घर यानी बहिष्ट है बेशक जालिम नजात नहीं पाएंगे और फिर उन ने कहा कि ए अहल दरबार में तुम्हारा अपने सिवा किसी को खुदा नहीं जानता तो हमान मेरे लिए गारे को आग लगाकर ईटे पका दो फिर एक ऊंचा महल बना दो ताकि मैं मूसा के खुदा की तरफ चढ़ जाऊं और मैं तो उसे झूठा समझता हूं वो और उसके लश्कर मुल्क में नाहक मकर हो रहे थे और ख्याल करते थे कि वो हमारी तरफ लौट कर नहीं आएंगे हमने उनको और उनके लश्करों को पकड़ लिया और दरिया में डाल दिया सो देख लो कि जालिमों का कैसा अंजाम हुआ और हमने उनको पेशवा बनाया था वो लोगों को दोजक की तरफ बुलाते थे और कयामत के दिन उनकी मदद नहीं की जाएगी और दुनिया में हमने उनके पीछे लानत लगा दी और वो कयामत के रोज़ भी बदहालों में होंगे और हमने पहली उम्मतों के हलाक करने के बाद मूसा को किताब दी जो लोगों के लिए बसीरत और हिदायत और रहमत है ताकि वह नसीहत पकड़ें और जब हमने मूसा की तरफ हुक्म भेजा तो तुम तूर की गर्भ की तरफ नहीं थे और ना उस वाके के देखने वालों में थे लेकिन हमने मूसा के बाद कई उम्मतों को पैदा किया फिर उन पर मुद्दत तवील गुजर गई और न तुम मदियन वालों में रहने वाले थे कि उनको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते थे हाँ हम ही तो पैगंबर भेजने वाले थे न तुम उस वक्त जब कि हमने मूसा को आवाज़ दी तूर के किनारे थे बल्कि तुम्हारा भेजा जाना तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है ताकि तुम उन लोगों को जिनके पास तुमसे पहले कोई हिदायत करने वाला नहीं आया हिदायत करो ताकि वो नसीहत पकड़े अगम्बर हमने तुमको इसलिए भेजा है कि ऐसा ना हो कि अगर उन आमाल के सबब जो उनके हाथ आगे भेज चुके हैं उन पर कोई मुसीबत वाकई हो तो ये कहने लगे कि अ परवरदिगार तूने हमारी तरफ कोई पैगम्बर क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयतों की पैरवी करते और ईमान लाने वालों में होते फिर जब उनके पास हमारी तरफ से हक आ पहुंचा तो कहने लगे कि जैसी निशानियां मूसा को मिली थीं वैसी इसको क्यों नहीं मिली क्या जो निशानियां पहले मूसा को दी गई थीं, उन्होंने उनसे कुफर नहीं किया कहने लगे कि दोनों जादूगर हैं एक दूसरे के मवाफक और बोले कि हम सबसे मुनकिर हैं कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम खुदा के पास से कोई और किताब ले आओ जो इन दोनों किताबों से बढ़कर हिदायत करने वाली हो ताकि मैं भी उसी की पैरवी करूं तो अगर यह तुम्हारी बात कबूल ना करें तो जान लो कि यह सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं और उससे ज्यादा कौन गुमराह होगा जो खुदा की हिदायत को छोड़कर अपनी ख्वाहिश के पीछे चले बेशक खुदा बेशिम लोगों को हिदायत नहीं देता हम पे दर पे उन लोगों के पास हिदायत की बातें भेजते रहे हैं ताकि नसीहत पकड़े इन लोगों को हमने इससे पहले किताब दी थी वो उस पर ईमान ले आते हैं और जब कुरान उनको पढ़कर सुनाया जाता है तो कहते हैं कि हम इस पर ईमान ले आए बेशक वो हमारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है और हम तो इससे पहले के हुक्म बरदार हैं उन लोगों को दुगना बदला दिया जाएगा क्योंकि सब्र करते रहे हैं और भलाई के साथ बुराई को दूर करते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं और जब बेहुदा बात सुनते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि हमको हमारे आमाल और तुमको तुम्हारे आमाल तुमको सलाम हम जाहिलों के खासदार नहीं है मोहम्मद अलैहि वसल्लम तुम जिसको दोस्त रखते हो उसे हिदायत नहीं कर सकते बल्कि खुदा ही जिसको चाहता है हिदायत करता है और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ हिदायत की पैरवी करें तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएं। क्या हमने उनको हरम में जो अम का मकाम है जगह नहीं दी जहां हर किस्म के मेवे पहुंचाए जाते हैं और ये रिस्क हमारी तरफ से है लेकिन उनमें से अक्सर नहीं जानते और हमने बहुत सी बस्तियों को हलाक कर डाला जो अपनी फराखी मीशत में इतरा रहे थे सो ये उनके मकानात थे जो उनके बाद आबाद ही नहीं हुए मगर बहुत कम और उनके पीछे हम ही उनके वारिस हुए और तुम्हारा परवरदिगार बस्तियों को हलाक नहीं किया करता जब तक उनके बड़े शहर में पैगंबर न भेज ले जो उनको हमारी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाए और हम बस्तियों को हलाक नहीं किया करते मगर इस हालत में कि वहां के जालिम हो और जो चीज तुमको दी गई है वो दुनिया की जिंदगी का फायदा और उसकी जीनत है और जो खुदा के पास है वो बेहतर और बाकी रहने वाली है क्या तुम समझते नहीं जिस शख्स से हमने नेक वादा किया और उसने उसे हासिल कर लिया तो क्या वो उस शख्स का सा है जिसको हमने दुनिया की जिंदगी के फायदे से बहरा मंद किया फिर वो के रोज उन लोगों में हो जो हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे जिस रोज खुदा उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे वो शरीक कहां हैं जिनका तुम्हें दावा था तो जिन लोगों पर अजाब का हुक्म साबित हो चुका होगा वो कहेंगे कि हमारे परवरदिगार ये वो लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था और जिस तरह हम खुद गुमराह हुए थे उसी तरह उनको गुमराह किया था अब हम तेरी तरफ होकर उनसे बेजार होते हैं, ये हमें नहीं पूछते थे जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ, तो वो उनको पुकारेंगे और वो उनको जवाब न दे सकेंगे और जब अजाब को देख लेंगे तो तमन्ना करेंगे कि काश वो हिदायत याब होते और इस रोज खुदा उनको पुकारेगा और कहेगा कि तुमने पैगम्बरों को क्या जवाब दिया वो तो उस रोज खबरों से अंधे हो जाएंगे और आपस में कुछ भी पूछ ना सकेंगे लेकिन जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल नेक किए तो उम्मीद है कि वो नजात पाने वालों में हो हमारा परवरदिगार जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है बरगुजीदा कर लेता है उनको इसका इख्तियार नहीं है ये जो शिरक करते हैं खुदा उससे पाक उबाल तर है और उनके सीने जो कुछ मख्फी करते और जो ये जाहिर करते हैं तुम्हारा परवरदिगार उसको जानता है और वही खुदा है उसके सिवा कोई माबूद नहीं दुनिया और आखिरत में उसी की तारीफ है और उसी का हुक्म और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे तो भला देखो अगर खुदा तुम पर हमेशा के दिन तक रात की तारीखी किए रहे तो खुदा के सिवा कौन माबूद है जो तुमको रोशनी ला दे तो क्या तुम सुनते नहीं तो भला देखो तो अगर खुदा तुम पर हमेशा कयामत तक, तो 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 तो, तक दिन किए रहे तो खुदा के सिवा कौन माबूद है कि तुमको रात ला दे जिसमें तुम आराम करो तो क्या तुम देखते नहीं और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात को और दिन को बनाया ताकि तुम उसमें आराम करो और उसमें उसका फजल तलाश करो और ताकि शुक्र करो और जिस दिन वो उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे वो शरीक जिनका तुम्हें दावा था कहां हैं और हम हर एक उम्मत में से गवाह निकाल लेंगे फिर कहेंगे कि अपनी दलील पेश करो तो वो जान लेंगे कि सच बात खुदा की है और जो कुछ वो इफ्तरा किया करते थे उनसे जाता मूसा की कौम में से था था और और उन पर करता था। और हमने उसको इतने खजाने दिए थे कि उनकी कुंजियां एक ताकतवर जमात को उठानी मुश्किल होती जब उससे उसकी कौम ने कहा कि इतराइये मत के खुदा इतराने वालों को पसंद नहीं करता जो माल तुमको खुदा ने अता फरमाया है उससे आखिरत की भलाई तलब कीजिए और दुनिया से अपना हिस्सा ना भुलाइए और जैसी खुदा ने तुमसे भलाई की है वैसी तुम भी लोगों से भलाई करो और मुल्क में तालिब फसाद ना हो क्योंकि खुदा फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता बोला कि यह माल मुझे मेरी दानिश के जोर से मिला है क्या उसको मालूम नहीं कि खुदा ने इससे पहले बहुत सी उम्मतें जो उससे में बढ़कर और जमीयत में बेषतर थी हलाक कर डाली हैं और गुनाहगारों से उनके गुनाहों के बारे में पूछा नहीं जाएगा एक रोज कारून बड़ी आरइश और ठाट से अपनी कौम के सामने निकला जो लोग दुनिया की जिंदगी के तालिब थे कहने लगे के जैसा मालो मता को मिला है काश ऐसा ही हमें भी मिले वो तो बड़ा ही साहिब नसीब है और जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहने लगे कि तुम पर अफसोस मोमिनों और नेकूकारों के लिए जो स्वाब खुदा के यहां तैयार है वो कहीं बेहतर है और वो सिर्फ सब्र करने वालों ही को मिलेगा बस हमने कानून को और उसके घर को जमीन में धंसा दिया तो खुदा के सिवा कोई जमात उसकी मददगार ना हो सकी और न वो बदला ले सका और वो लोग जो कल उसके रुतबे की तमन्ना करते थे सुबह को कहने लगे हाय श्यामत खुदा ही तो अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है अगर खुदा हम पर एहसान न करता तो हमें भी धंसा देता हाय खराबी फिर नजात नहीं पा सकते वो जो आखिरत का घर है हमने उसे उन लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो मुल्क में जुल्म और फसाद का इरादा नहीं रखते और अंजाम नेक तो परहेजगारों ही का है जो शख्स नेकी लेकर आएगा उसके लिए इससे बेहतर सिला मौजूद है और जो बुराई लाएगा तो जिन लोगों ने बुरे काम किए उनको बदला भी उसी तरह का मिलेगा जिस तरह के वो काम करते थे ऐ पैगंबर अलैहि पैगम्बर सल्ला जिस खुदा ने तुम पर कुरान के आकाम को फर्ज किया है वो तुम्हें बाजगश्त की जगह लौटा देगा कह दो कि मेरा परवरदिगार उस शख्स को भी खूब जानता है जो हिदायत लेकर आया और उसको भी जो सरीह गुमराही में है और तुम्हें उम्मीद न थी कि तुम पर यह किताब नाजिल की जाएगी मगर तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी से नाजिल हुई तो तुम हरगिज काफिरों के मददगार न होना और वो तुम्हें खुदा की आयतों की तबलीग से बाद इसके कि वो तुम पर नाजिल हो चुकी हैं रोक न दें और अपने परवरदिगार को पुकारते रहो और मुश्रकों में हरगिज ना हो जियो और खुदा के साथ किसी और को मबूद समझ कर न पुकारना उसके सिवा कोई माबूद नहीं उसकी जात पाक के सिवा हर चीज फना होने वाली है उसी का हुक्म है और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे